मंगलं भगवान विष्णु मंगलं वड़ध्वज मंगलं वृत्रीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य तारसन गौतम अपने कार्यक्रम में भाग्य दृष्टि में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नित्य की तरह आज हम फिर आपसे बात करेंगे आपकी सभी समस्याओं उनके समाधान के बारे में। दर्शकों, जो टीवी पर नंबर आ रहे हैं, इस नंबर से आप संपर्क करें और हमसे बात करें ताकि आपकी समस्याएं सभी का समाधान हो सके। तो आज का विषय है कि रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक से क्या क्या लाभ होता है, किस चीज़ का होता है, किस देवता का होता है? वैसे तो सभी देव देवताओं का रुद्राभिषेक होता है, अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। तो आज हम चर्चा करते हैं रुद्राभिषेक की, शंकर भगवान की। रुद्राभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है। शिवलिंग चाहे पारे की बनी हो, चाहे चांदी की बनी हो, चाहे सोने की या मिट्टी की या पत्थर की या स्फीट की, किसी की भी हो, चाहे मिट्टी की क्यों न बनो, बालू की बनाते। इसलिए कई द्रव्य से शंकर भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक के कई लाभ हैं। रुद्राभिषेक किसी अवस्था में कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने मन के अंदर विश्वास होना चाहिए कि हमारी भगवान मनोकामना पूर्ण करेगा। पहले शुद्ध चित्त होके स्नान वस्त्र धारण करके यज्ञोपवीत पहन के कुशा आदि की पेथी में पहन के शिखा बंधन बांध के शिव जी के मंदिर में जाए या घर पे करे। रुद्राभिषेक करने से क्या महत्व होता है, क्या लाभ होता है और कब करना चाहिए, इसका भी कई विधान है। जैसे श्रावण के महीने में एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, रामाचार्य जी। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है बेटा? बेटे के लिए पूछना है गुरु जी मुझे अपने। बेटा क्या नाम? बेटा रमन नाम है गुरु जी उनका। बेटा रमन का डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 8 अप्रैल 1984। जन्म समय बताओ बेटा। 2:30 बजे रात्रि। जन्म स्थान और बताओ बेटा। कानपुर उत्तर प्रदेश का। लाइन पे बने रहो बेटा। बेटा क्या समस्या है? बेटा नशा करता है पिछले काफी साल से, 8-10 साल हो गए उसको छूट नहीं नशा, साथ ही साथ गलत संगति में भी पड़ गया है और बहुत परेशान है इसकी वजह से गुरु जी। नुकसान भी कर दिया है इसने, न तो किसी काम में मन लगता है, न घर परिवार पे कोई ध्यान दे रहा है। बेटा एक तो इसको इसकी लगन है मकर लगन है जी और मिथुन राशि है, और जी बेटा इसके शनि में शुक्र चला हुआ है जी और शनि कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ, जहाँ पर उन्नति है वहीं संगत खराब कर रहे हैं अपनी। जी गुरु जी। एक तो इसको बेटा आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना है बेटा, जी और इसको आपको शनि का उपाय करना है, नीली धारण कराना है शनिवार के दिन, जी चांदी में मध्यम अंगुली में शनिवार के दिन दोपहर के बाद में। जी और एक काम और करना बेटा इसका, जी क्योंकि शनि में शुक्र है, डेली प्रतिदिन कर सकता है तो डेली या तो दुर्गा चालीसा पढ़े या फिर जी डेली प्रतिदिन दुर्गा की स्तुति करें, और जी ऐसा ही लोगों से जहाँ पर गरीब लोग बैठे उनको शुक्रवार के दिन कभी दूध कभी चीनी कभी चावल यानी सफेद चीज का दान करते रहे। जी गुरु जी। जय महाकाल बेटा। तो दर्शकों को हम बात कर रहे थे कि
रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक से कई लाभ हो जाते हैं। जैसे किसी का शंकर भगवान का रुद्राभिषेक हमारे पुण्य को सिंचय करता है, पुण्य कमाते हैं। और किससे करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, पहले तो गाय के सींग से बनाई जाती थी श्रृंगी, इस समय कोई चांदी की बनवा रहे हैं, कोई पीतल की इसे कर लेते हैं। तो इसलिए श्रृंगी भी गाय का मुख जैसी बनती है। और किससे के किस मंत्र से करना चाहिए, किन सी पुस्तक से करना चाहिए, रुद्री होती है भगवान की, शंकर भगवान के यजुर्वेद से ली गई हुई है, यजुर्वेद के सारे मंत्र उसमें है, उससे पूरी रुद्री से। रुद्राभिषेक भी ही कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए, किस नक्षत्र को करना चाहिए रुद्राभिषेक। पहले तो श्रावण तो हम कभी भी कर लेते हैं, परंतु अन्य मासों में नक्षत्र तिथि वार देख के करना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। जैसे शंकर जी का कैलाश पर निवास है, वास है, मारा माता पार्वती के, यानी शंकर का, शंकर भगवान का वास देखकर ही हमको रुद्राभिषेक करना चाहिए, तभी हमको पूर्ण फल मिलेगा। और कैसे करें, किन द्रव्य से करें, जैसे कोई दूध से करते हैं, कोई जल से करते हैं, कोई कुसा से करते हैं, दुर्वा से करते हैं, शहद से करते हैं, घी से करते हैं, तेल से करते हैं, शर्करा से करते हैं, या में जिसकी जैसी समस्या उसका समाधान के लिए उसी द्रव्य से रुद्राभिषेक करें, तभी मनुष्य को फल मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। जैसे किसी को, वो भी कैसे करें, किन से कराएं, कब करें, एक भाग्य दृश्य कम से जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी गुरुजी, प्रणाम। जय महाकाल बेटा। जय महाकाल गुरुजी। क्या नाम बेटा? गुरुजी मुझे अपने बारे में जानना था। क्या नाम बेटा आपका? गुरुजी मेरा नाम रिंकी है। रिंकी? रिंकी नाम है, रिंकी। रिंकी, अपने बेटा डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। जी गुरुजी, मेरी जन्म तिथि 15 अगस्त 1990 की है। जन्म समय बताओ बेटा। जन्म का समय 2:32 दोपहर में हुआ था। जन्म स्थान बेटा? ग्वालियर का है, मध्य प्रदेश ग्वालियर। बेटा लाइन पे बने रहो। जी गुरुजी। बेटा आपके वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृक्ष राशि है, समस्या क्या है बेटा? गुरुजी मेरी शादी को लेकर परेशान है, काफी समय से रिश्ता देख रहे लेकिन रिश्ते की बात नहीं बन पा रही है। बेटा आपके एक तो काल सर्प योग है और चंद्रमा अपने घर का सप्तमेश में बैठा हुआ है। बेटा आपको एक तो उपाय करना है कि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बेटा, और जो इस समय आपके चला हुआ है बृहस्पति में केतु, बेटा केतु गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, विलंबता हो रही है बेटा आपके हर कार्य में, हर कार्य में विलंब हो रहे हैं, देरी हो रही है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से राहु भी उसको देख रहा है गुरु को, गुरु चांडाल योग है, सूर्य शुक्र साथ में बैठा हुआ भाग्य स्थान में, इसलिए नया कार्य बनने में बड़ी दिक्कत आ रही है बेटा। तो बेटा एक तो आपको पुखरा धारण करना बेटा, सोने में तर्जनी अंगुली में गुरुवार के दिन, हाँ। और बेटा एक काम और करना आपको, हर सोमवार को शंकर जी का मंदिर में जाना है और पूजा करना है, पंचामृत बना के और शंकर भगवान को स्नान कराना है, सोमवार का व्रत करना है। परंतु बेटा केतु होने के कारण बेटा या तो आप कुत्तों को दूध पिलाओ, अन्यथा नहीं तो आप सोमवार के दिन या शनिवार के दिन आपको एक सफ़ेद ध्वजा यानी झंडा बनवाना है बेटा,
सफेद कपड़े में ही एक साइड ओम एक साइड स्वस्ति बना के टकवाना बेटा, शनिवार के दोपहर के बाद बेटा। बेटा ये काम करोगे तो आपको लाभ मिलेगा बेटा। और बृहस्पतिवार के दिन बेटा आप थोड़े दाल गुड़ रोटी में रखे गाय को देना बेटा, और पीला चंदन लगाना बेटा। और बेटा काल श्राप योग होने के कारण यानी राहु की दृष्टि होने के कारण बेटा सात प्रकार का अनाज आप पक्षियों को डाल देना बेटा अपना भजन बराबर, आपको लाभ मिलेगा बेटा। जय महाकाल बेटा। तो दर्शकों हम कर रहे थे रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक से कई फायदा होता है। जैसे बताया था कि कई बार क्षेत्रों में बरसात नहीं होती है तो सारे ग्रामवासी शहरवासी मिलकर भगवान भोलेनाथ का शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करवाते हैं, सहस्त्र घट करवाते हैं, महामृत्युंजय जप करवाते हैं। इन चीज़ों से भगवान के नाम की स्तुतियां करते हैं ताकि हमारे इस क्षेत्र में बरसात हो जाए। तो कई बार ऐसे मिलकर भाई जिस टाइम रुद्राभिषेक कराए एक ब्राह्मण तो कर नहीं सकता सहस्त्रगट, क्योंकि वो नमक चमक से पाठ होते हैं, या तो पंच ब्राह्मण हो या एकादश, यानी 5, 11, 21, 31, 51 जितनी जैसी श्रद्धा बन जाए, जैसे जैसे संयोग मिल जाए विद्वान ब्राह्मणों से, उनसे रुद्राभिषेक कराने से हमारे क्षेत्र में हमारे शहरों में बरसात होती है। बरसात होने से पशुओं को लाभ मिल जाते हैं, पशुओं को चारा खिलाने में लाभ मिलता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने रुद्राभिषेक कराया, हमारे क्षेत्र में कई प्रकार का लाभ मिला, जिससे दूध की बढ़ोतरी हुई, घी की बढ़ोतरी हुई, अन्न की हुई, धन की उन्नति हुई, बढ़ोतरी हुई, हमारा जीवन सुख में बीते। तो एक भागवत दर्शक हम जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, जय महाकाल बेटा। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? गुरु जी मैं सजिंदर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी घरवाली के बारे में पूछना था। घरवाली का क्या नाम है? काजल। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा उनका। 9 जनवरी 1992। समय बताओ बेटा। 9 बजे रात को। जन्म स्थान बेटा? अलीगढ़। लाइन पे बने रहो बेटा। बेटा सिंह लगन की कुंडली है और कुंभ राशि है, समस्या क्या बेटा? हमारा घर जीवन से नहीं चल रहा, इसके साथ में इसे गुस्सा आता है, एक तो बात नहीं सुनती है किसी की, हमारे मम्मी पापा से भी बात नहीं करती है गुरुजी सही से, और मायके है गुरुजी 2 महीने से मायके से भी नहीं आ रही है बेटा। इसको इस समय इसकी शनि में सूर्य चला हुआ है जी, और इसका सूर्य राहु और मंगल बुध के साथ विराजमान है जी। इसको कई प्रकार की दिक्कत, किसी की बातों में केतु की दृष्टि पड़ी हुई है सूर्य के ऊपर, ये दूसरों की बातों में आती है, अपने दिमाग से काम नहीं करते बेटा जी। बिल्कुल बेटा, एक तो इसको बोलना कि आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें जी। किसी तरह समझा बुझा के लाके उसको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कराओ और डेली सूर्य को जल दो। वो तो अभी आई नहीं रही, कुछ ऐसे उपाय बताओ जो मैं खुद कर लूँ इसके लिए। आप ऐसे करो, उनका नाम गोत्र लेके आप स्वयं पूजा चालू कर दो, या तो बगला मुखी या फिर सूर्य को जल देना जी। और एक काम और करो बेटा, इसके 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को चालू कर दो बेटा, डेली शंकर जी को जल चढ़ाना चालू कर दो बेटा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा बेटा। जय महाकाल। तो
तो दर्शक को हम कह रहे थे कि वर्षा जैसे सहस्त्र घटकराया ग्राहक 11 ब्राह्मणों से, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और वर्षा हो गई। हमारे क्षेत्र ग्रामवासी शहर में कोई कमी नहीं रही क्या? परंतु रुद्राभिषेक भी विधि पूर्वक होना चाहिए कि यह नहीं हमने बता दिया, आपने मन में भाव नहीं है, काम करा लिया, अच्छे विद्वान ब्राह्मण भी नहीं है। विधि के अनुसार होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हम रुद्राभिषेक करवा लें, भगवान हमारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगा, ऐसा भाव होना चाहिए। तो इसलिए पहले आप ब्राह्मण का संयोग मिले, संयोग से उनको बुलाए, विद्वान ब्राह्मण को 11, 5 और सहस्त्र यानी हजारों घड़ों से जलाभिषेक कराए, नमक चमक से होता है, तब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस यदि किसी संयोग से घर में कष्ट है, और रोग ने प्रहार कर रखा है, आक्रमण कर रखा है शरीर के ऊपर, तब भी हम रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, सहस्त्र घट करवा सकते हैं, महामृत्यु जप करवा सकते हैं। देव महादेव है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जल की कैसा होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, या तो गंगा जल हो, तीर्थों का जल हो, इससे भी करवा सकते हैं। जैसे दूध से कराया, दही से कराया, यदि कूप ज्वर आदि की पीड़ा के लिए रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। 11, 1 ब्राह्मण यानी साधारण पाठ तो एक ब्राह्मण कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि नमक चमक से तो 4-5 घंटा कम से कम चाहिए उसके लिए, तो एक ब्राह्मण को होना तो असंभव वाली बात है मेरे विचार से। इसलिए ना साधारण पाठ हो जाए उससे भी लाभ मिलेगा। अब बताते हैं कि रुद्राभिषेक इतना लाभ मिलता और किस काम के लिए और किस सफलता के लिए किया जाता है। आपने पंडित जी बता दिया कि वर्षा के लिए, रोग के लिए, ज्वर के लिए आदि के लिए आप जलाभिषेक करना चाहिए, और किससे क्या करें आप बताते हैं। घी से, घी या शहद, घी से करो, शहद से करो। शहद से या गन्ने के रस से रुद्राभिषेक, सहस्त्र घट तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत गन्ना का जूस तही लगे। यदि आप रुद्राभिषेक ही करें, साधारण पाठ करें, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। अब कई कई को कहते हैं कि संसार में एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। जय माँ काल बेटा। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है बेटा? इनका नाम है संजीव। संजीव बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 9 मई 1976। समय बताओ बेटा। 2:43 PM। जन्म स्थान बताओ बेटा। कटक, उड़ीसा। लाइन पे बने रहो बेटा। क्या समस्या बेटा? हाँ जी आचार्य जी, इनकी दिक्कत ये है कि मेरे हस्बैंड ना अभी जो भी काम करते हैं, इनका कोई भी काम नहीं बनता है। इन्होंने पहले कपड़े का काम किया, इनका वो भी नहीं हुआ। उसके बाद में अभी बर्तन की दुकान खोली, वो भी नहीं चल रही। मतलब हर काम में ही प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी काम नहीं हो रहा इनका। बेटा, इसकी कन्या लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। पहले बात बेटा, इसके काल सर्प योग है। दूसरा, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। और तीसरा बेटा,
शापित दोष बना हुआ है, क्योंकि बेटा इसने काम तो कई बदले हैं, काम तो बदलने में कमी नहीं है, पर इनके माया हाथ नहीं लगी है। क्योंकि मंगल नीच का है और ग्यारहवा स्थान बैठा हुआ शनि के साथ में, और सप्तमेश की यानी राहु की दृष्टि सूर्य केतु गुरु चांडाल योग कई समस्या बेटा इनकी, तो बेटा एक तो इसको दो मुखी तीन मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें सोमवार के दिन लाल धागे में, और बेटा एक उपाय करना बेटा, क्योंकि इस समय इनके गुरु में बृहस्पति में शनि चला हुआ बेटा, और शनि इसके बेटा मंगल के साथ विराजमान है, नीली धारण करे वो भी चांदी में मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन बेटा, क्योंकि बेटा ये जो जिसमें हाथ डालते उसमें ही, क्योंकि शनि तीसरे स्थान को देखता तो तीसरा स्थान लगन हो गया, मन में भी ये डर लगा होता है कि अब मैं दूसरा कार्य करूँ उसमें नुकसान नहीं हो जाए। जी जी बिल्कुल गुरु जी, यही होता है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इतना इन्वेस्ट किया है, सब कुछ लॉस में चला गया, तो डर लगता है यार कुछ और करने में। हाँ तो बेटा इसको नीली धारण बताया, नीली धारण करना है, और हर शनिवार को कुत्तों को काले कुत्तों को दूध पिलाना, बिस्कुट खिलाना, उनका खाना दाना डालना, और बेटा एक काम और करना बेटा इसके लिए जी बताइए, सूर्य ग्रहण के दिन दान कराना इनके हाथ से। तीसरा काम एक है कि डेली प्रतिदिन पीला टीका लगाए, बृहस्पतिवार का व्रत करें या दान करें, पूजा करें, और हर बृहस्पतिवार को या सात बृहस्पतिवार कम से कम दान करें, विष्णु भगवान का वस्त्र वगैरह चढ़ाएं लास्ट में। धन्यवाद बेटा, जय महाकाल। तो दर्शकों हम बात कर रहे थे, जैसे किसी किसी क्या होता है कि संतान प्राप्ति नहीं होती है, संतान नहीं प्राप्ति होती तो क्या किया जाए, रुद्राभिषेक किस प्रकार किया जाए, रुद्राभिषेक करने का कैसे करें, किसी की संतान नहीं होती है, तो संतान प्राप्ति के लिए शंकर भगवान के मंदिर में शुद्ध होके नहा धोके यज्ञो पवित्र धारण करके और शंकर जी के अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर सारी सामग्री लेके, जैसे दूध दही शहद घी बूरा बिल पत्र भांग दतूरा आदि सारी सामग्री लेकर शुद्ध चित्त से बैठ के पूर्वादि मुख या उत्तरादि मुख बैठ के पहले गणेश जी का आह्वान करें, फिर माता पार्वती का। एक भाग्य दृश्य कम से जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, गुरुदेव प्रणाम। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? जी गुरुदेव रोहित नाम है। रोहित, डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। रोहित जी गुरुदेव, 13/2/1986। जन्म समय बताओ बेटा। जन्म समय गुरुदेव सुबह के 10 बजे। जन्म स्थान बताओ बेटा। जन्म स्थान गुरुदेव गाजियाबाद यूपी। लाइन पे बने रहो बेटा जी। बेटा आपकी मेष लग्न की कुंडली है और मीन राशि, बेटा समस्या क्या है बेटा? जी गुरुदेव, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था, काम सही चल रहा था, करीब 6 महीने हो गए, 6 महीने से काम नहीं चल रहा है। बेटा इस टाइम आपका शुक्र में केतु चला हुआ है और शुक्र 11वें स्थान में बैठा हुआ है, केतु आपका सप्तमेश बेटा बेटा, तो इसलिए कई बार घाटों का और कर्जा का योग है बेटा, क्योंकि मंगल अपना घर का अष्टमेश में बैठा और शनि साथ में बैठा हुआ है, शनि की वजह से आपको भी नुकसान है, कर्जा भी हो रहा है बेटा, क्योंकि 11वें स्थान में शुक्र सूर्य का साथ अच्छा नहीं होता है,
और केतु सप्तमी से बैठा हुआ है, इसलिए एक तो बेटा आपको तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना बेटा, और आपको ओपल ओपल धारण करना बेटा, ओपल चांदी में अनामिका अंगुली में शुक्रवार के दिन बेटा। और एक काम और करना बेटा, आप जितना हो सके उतना जैसे ऐसा ही लोगों को दान देना बेटा शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का, और काले कुत्ते को बिस्कुट वगैरह खिलाना बेटा, और एक शनिवार के दिन सफेद झंडा शिव जी के मंदिर में लगाना दोपहर के बाद शनिवार को। ये काम करने से बेटा आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके काल सर्प योग हो रहे बेटा। काल सर्प योग होने पर आपको दिक्कत, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तमेश में पड़ी हुई है, सप्तमेश में राहु की केतु पर केतु की दशा चली हुई, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा। उधर शुक्र सूर्य के साथ है, आप प्रयास बहुत कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, पर आपको अपयश मिल रहा, यश नहीं मिल रहा, तो ये आपको। और क्योंकि शनि मंगल के साथ आपको इस भागदौड़ में आपको कर्जा भी होता है बार बार, इसलिए ये उपाय करना बेटा आपको लाभ मिला। जय महाकाल बेटा। तो दर्शकों हम बात कर रहे थे, दर्शकों बात कर रहे थे कि हम रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक जैसे जल से संतान प्राप्ति के लिए कराया, पहले गणेश जी का आह्वान किया, पार्वती जी का, कार्तिक स्वामी, नंदीश्वर का, वीरभद्र का, शेषनाग का और शंकर जी का। हे भगवान आप प्रसन्न हो, गणानंतवा गणपति गंगवामहि, गणानंतवा प्रियपति गंगवामहि, यानी आपसे मंत्र नहीं आते हैं, ब्राह्मण का संयोग नहीं होता है, तो ओम नमः शिवाय करो, यानी आपको लोप नहीं करना, भगवान का नाम लेने देते कि आपको जो जिस जैसा ऐसे भाव भोलेनाथ हो तो जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि विद्वान ब्राह्मण मिल जाता है तो आप अच्छी तरह विधान से कराइए, पहले जल अक्षत से आह्वान करिए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर दूध से कराइए, दही से कराइए, घी से कराइए, शहद से कराइए, बूरा से कराइए, बढ़िया मसल मसल के पंचामृत आदि से कराए, इसके बीच में बड़ा शुद्ध स्नान कराते रहे, तो ऐसे करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दर्शकों आज इतना ही, कल फिर इसी समय इसी वक्त मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकाशिकदुर्गावत्। नमः पार्वतीपते, हर 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 महादेव शंभो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।